नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्राइबॉल इंसेंटिव पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। ट्राइबॉल इंसेंटिव पैरामीटर जिसमें वो तीन गेंदें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि ट्राइबॉल इंसेंटिव पैरामीटर को कैसे इस्तेमाल नहीं करना है। हर डिवाइस की तरह इस डिवाइस को भी अगर हम ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका पूरा फायदा हमको नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइबॉल इंसेंटिव पैरामीटर के इस्तेमाल करने के सही तरीके को। ये ट्राइबॉल इंसेंटिव पैरामीटर आमतौर पर सभी केमिस्ट की दुकानों पर मिल जाता है। इसका प्राइस लगभग 250 रुपये के आसपास रहता है। इसके अंदर तीन गेंदें होती हैं और पेशेंट पाइप को मुंह में रख के जब सांस अंदर खींचता है तो एक एक करके तीनों गेंदें ऊपर उठा पाता है। इंसेंटिव पैरामीटर का इस्तेमाल करने के लिए कई फायदे होते हैं। इंसेंटिव पैरामीटर का इस्तेमाल उन मरीजों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है जिनकी फेफड़ों की, छाती की या फिर पेट की सर्जरी होने वाली होती है। ऐसे मरीजों को ऑपरेशन से पहले इंसेंटिव पैरामीटर की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे ऑपरेशन के पहले के समय को इस्तेमाल करके वो अपने फेफड़ों की कंडीशनिंग, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा पाएं ताकि ऑपरेशन के बाद जल्दी बेहतर हो पाए। इसके अलावा उन मरीजों का जिनका ऑपरेशन हो गया होता है उन मरीजों को भी इंसेंटिव पैरामीटर इस्तेमाल करने की काफ़ी ज़रूरत होती है जिससे उनकी फेफड़ों की क्षमता बेहतर हो पाए और वो जल्दी ठीक होकर घर जा पाए। ऐसे लोग जिनकी फेफड़ों की क्षमता सामान्यतः कम है वो भी इंसेंटिव पैरामीटर का इस्तेमाल करके अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। लेकिन फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए ट्राइबॉल इंसेंटिव पैरामीटर का ठीक से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं होगा तो फेफड़ों की क्षमता अच्छे से नहीं बढ़ पाती है। ट्राइबॉल इंसेंटिव पैरामीटर में तीन गेंदें होती हैं और अगर आप देखेंगे डिवाइस को इसके ऊपर लिखा होगा 600, 900 और 1200 सीसी पर सेकेंड। ये बेसिकली एक फ्लो बताता है कि हम सांस खींच रहे हैं तो कितनी तेज़ खींच रहे हैं। तो अगर मरीज़ एक गेंद उठा पा रहा है सांस खींचने पे तो हम इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वो जो फ्लो, जिस फ्लो से वो खींच रहा है वो लगभग 600 सीसी पर सेकेंड या 600 ml एक सेकेंड में हवा को अंदर ले रहा है। मान लीजिए ये मरीज़ 3 सेकेंड के लिए अगर एक गेंद को ऊपर उठा पा रहा है तो टोटल में 600 × 3 दैट इज़ वो 1800 ml हवा उसने फेफड़ों में खींची है। और इसी तरह से अगर वो दो गेंदें उठा पा रहा है तो दो गेंदों को उठने का मतलब है 900 सीसी पर सेकेंड, दैट इज 900 × 3 दैट इज 2700 ml हवा उसने अंदर खींची। और अगर वो तीनों गेंदे ऊपर उठा पा रहा है, मान लीजिए वो तीनों गेंदे 3 सेकेंड तक ऊपर उठा के रोक पा रहा है तो 1200 × 3 अर्थात 3600 ml हवा उसने अंदर खींची है। सभी मरीज इस्तेमाल करते समय वो चाहते हैं कि वो तीनों गेंदे उठा लें, वो चाहते हैं कि इस डिवाइस के मैक्सिमम लेवल तक वो एक ही बार में पहुंच जाए। तो वो क्या करते हैं, जब भी सांस खींचते हैं तो इतनी तेज़ खींचते हैं कि तीनों गेंदे एक बार उठ जाती हैं। तीनों गेंदे उठने के बाद होता क्या है, इस डिवाइस में एक इनहेरेंट फ्लॉ है, इसमें एक कमी है। वो कमी ये है कि जब तीनों गेंदे ऊपर उठ जाती हैं तो ऊपर बने छोटे छोटे छेदों पर वो गेंदे चिपक जाती हैं और उसके बाद हवा अंदर कम आती है। तो इस तरह से अब हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे कैसे ये मरीज़ तीनों गेंदे एक बार में उठा रहा है और तीनों गेंदे उठा के वो काफ़ी देर होल्ड भी कर पा रहा है, पर होल्ड करने पर भी हवा अंदर नहीं जा रही है क्योंकि वो तीनों गेंदों ने हवा अंदर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया उसमें। तो इसमें आप पाएंगे कि पेशेंट तीनों गेंदों को लगभग 4 सेकंड तक ऊपर होल्ड करके रख पा रहा है। 4 सेकंड तक होल्ड करने का मतलब है कि पेशेंट ने लगभग 4800 ml या 5 लीटर हवा अंदर खींची है, यानी इंसेंटिव पैरामीटर यहाँ पे गलत रीडिंग दिखा रहा है। तीनों बॉलें जब ऊपर चिपक जाती हैं तो वो ऊपर बने छेदों को बंद कर देती हैं और उस समय हवा फेफड़ों में नहीं जा रही होती है। मरीज़ को लगता है कि उसने तीनों गेंदें उठा ली और वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इस तरह से करने का मरीज़ को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है कि पहले सेकंड में एक गेंद उठाएं, दूसरे सेकंड में दूसरी गेंद उठाएं और तीसरे सेकंड में तीसरी गेंद उठाएं। तीनों गेंदों को कभी भी एक साथ नहीं उठाना है। मरीज़ जब भी इस्तेमाल करेगा तो पहले सेकंड में वो सांस खींचते हुए पहली गेंद को उठाएगा, फिर दूसरे सेकंड में क्षमता को और बढ़ाते हुए और तेज़ी से सांस खींचते हुए दूसरी गेंद उठाएगा और फिर तीसरे सेकंड में और तेज़ी से सांस खींचते हुए तीसरी गेंद उठाएगा। तो इस तरह से ये डिवाइस का इस्तेमाल ठीक से हो पाएगा। एक एक सेकंड में एक एक गेंद उठाने से डिवाइस की डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है और पेशेंट काफ़ी अच्छे तरीके से इस डिवाइस से काम कर पाता है।